म्यूजिक सुना के ले मैं क्या ये न्यू स्कूल हिप हॉप पागल हो गए एनर्जी डलवा दूंगा मैं पागल सारा पर हूं तुझे सदमा दिला दूंगा मुझे यो यो भुला अरे क्या हुआ क्या ग्रैमी ले आऊंगा ग्रैमी आज तो मेडल लेके नहीं और ग्रैमी लेगा वाह तेरे आइटम के बाल खुले मैं बार्बी बना दूंगा बार्बी बना दूंगा सोना चढ़ा दूंगा घेरा लगा दूंगा फेमस करा दूंगा शॉपिंग करा दूंगा और क्या अबे क्या असली रहेगा तो दोस्ती बढ़ा दूंगा नकली बनेगा तो फटके दे रहा तेरा बाप हूँ मैं तेरा बाप हूँ मैं क्या हुआ पापा तेरा बाप हूँ मैं हाँ मुझे पता है हाँ तो क्या लगा रखा है मेरा भाई मेरा भाई मेरा भाई अरे पापा वो दोस्त ने मेरे को कल एमी वे बंटा का नया गाना है ना तो भेजा था सुन रहा था मस्त था आप भी सुनोगे नहीं नहीं रहने दे सुन लिया मैंने कब ये अभी तूने सुना है ना ओ अच्छा और ये क्या है क्या हाँ इधर आइटम के बाल खुले कैसे क्या है अरे तो पापा वो लिरिक्स है ना ओ इसके ऐसे ही लिरिक्स होती है ऐसे लिरिक्स हाँ क्या बेटा कभी हमारे गाने हमारे जमाने के गाने सुने आह क्या शब्द होते थे कहीं दूर जब दिन ढल जाए सांझ की दुल्हन बदन चुराए चुपके से आए मुझे पता है अरे और वो चांद सा रोशन चेहरा बालों का रंग सुनहरा ये जीने से हाँ ये भी मुझे पता है और वो भीगी भीगी रातों में मीठी मीठी हाँ पापा मुझे पता है ये सब तो है ना रोमांटिक सॉन्ग्स है और सैड सॉन्ग्स है ये तो अभी भी आते हैं आप कभी सुनते नहीं अच्छा कौन सा आया बता रोमांटिक मैंने सुना बेटा सुना मेरे को वो आया ना थोड़ी सी भी कोशिश ना की तूने इसमें तेरा घाटा मेरा कुछ नहीं जाता सही कहा इसमें हमारा ही घाटा है और तुम्हारा कुछ नहीं जाता है क्योंकि हम फीस तुम्हारे लिए भरते हैं एजुकेशन के लिए और बदले में हमें कुछ नहीं मिलता इसलिए इसलिए हमारा ही घाटा है और हम तुम्हारा कुछ नहीं जाता है और एजुकेशन से याद है बेटा तुम पढ़ते हो कि नहीं हाँ हाँ पढ़ता हूँ ना सुबह शाम क्या बोला नहीं 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 कुछ नहीं वैसे भी पापा इन गानों में मतलब होते हैं लेकिन आप कभी सुनते नहीं हो ना वो डिवाइन वाला नया गाना है काम 25 उसमें भी सब बहुत अच्छी मीनिंग्स है अरे इसमें भी आइटम है क्या क्या अरे मतलब अभी जो तूने गाया है आइटम वो लिरिक्स है क्या इसमें नहीं पापा अच्छा गाना है रुको मैं आपको सुना दो ये लीजिए ये है ना काम बच्चे से बोले दो 25 दिन में गेम ओवर काम बच्चे से काम बच्चे से राम नाम सत्य ये खुले आम हत्या ये काम बच्चे से काम बच्चे से सुन ले दो अच्छे से डर जा मरने से काम बच्चे से काम बच्चे से मेरे से एक पहले बच सत्य से काम बच्चे से काम बच्चे से बोले दो काम बच्चे से मत दिखा बत्ती से मर जाएगा गलती से गायब तू धरती से चलता ये शेर बोले अपने ही मर्जी से करती मैं फर्क नहीं चर्सी और बढ़ती मैं राजनीति में या सबसे ज्यादा पैसा क्यों है पब्लिक क्यों नहीं दिखता वैसे वाला पैसा क्यों है पब्लिक की सेवा फिर पैसे वाला नेता क्यों है मुंबई शहर सबको कम ज्यादा नेता क्यों है अलग कुत्ते ये काटते ये भगते नहीं अलग घोड़े ये खोते ये दौड़ते नहीं यहाँ पे नाम काम करता है पुलिस वाला भी बोला मेरा स्टार बहुत हल्का है सीधा हल्का है गेम होना सबका है अगर तू जिंदा अगर जिएगा बेटा अब मुंबई शहर चलन भैया अपनी है ना बेटा सीधा सीने में बेटा काम बच्चे से काम बच्चे से राम नाम सत्य ये खुले आम हत्या गाना तो ठीक है बेटा लेकिन पता नहीं ये अजीब सा लग रहा है कानों में जैसे चुभन हो रही है पापा वो ये गाने ना ऐसे ही लगते सुनने में पहले पहले फिर बाद में बड़े अच्छे लगते बड़े बड़े मतलब बड़े अच्छे लगते गाने बड़े अच्छे लगते बेटा तू भी कुछ ऐसा करना बड़ा काम लेकिन ऐसा नहीं मतलब अच्छा गाना बना बहुत सारे गाने तू भी ऐसा कुछ करो तेरा ही बाप हूँ बेटा मुझे सब पता है एक दिन उम्मीद
एक दिन आएगा तेरा, उम्मीद है तेरे से कि तू कुछ करेगा, देखते। लेकिन बेटा पढ़ाई को बिल्कुल मत टालना, पढ़ाई जितना करेगा ना उतना ही इसके ऊपर भी ध्यान देना। और सबसे इम्पोर्टेंट एक बात है बेटा, लड़की के मामले में कभी भी मत गिरना, ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन रहता है बेटा, और उसके साथ साथ लॉ ऑफ डिस्ट्रक्शन रहता है। तेरा बाप हूँ मैं, मेरा एक्सपीरियंस तेरे को शेयर कर रहा हूँ, मैं भी जेल चुका हूँ लड़की लोग के मामले, इसलिए आज यहाँ पे हूँ, मैं तो कहाँ होता, समझा? हाँ पापा। ठीक है, मेरे को भी अभी ऑफिस के लिए लेट हो रहा है, नहीं तो मैं तेरे को सुनाने के लिए तो बहुत मोटिवेशन देते रहूँगा बेटा, लेकिन तू सुना तो कर, चल मैं निकलता हूँ। अपन एक नया गाना बनाते हैं। अच्छा और ये हमारा नया वीडियो है, और ये एक्चुअली मुझे टीचर से भी बनाना था, और हमारे सबसे बड़े गुरु हमारे मॉम डैड रहते हैं, सो मैंने उनमें डैड का भी रोल डाला है। सो प्लीज़ आप देखो, प्लीज़ आपका लव शेयर करो, प्यार शेयर करो लाइक्स पे, कमेंट्स में, प्लीज़। और इस बार आपको सवाल होगा कि ये मेरा भाई क्यों नहीं था इस बार, तो कुछ सीन ऐसा हुआ गया कि कैमरा मैन हमारे पास रेडी नहीं था, तो मेरे भाई को शूट करना पड़ा। सो प्लीज़ अगली बार भी हो सकता है शूट हो गए, उसमें भी होगा मेरा भाई या नहीं होगा कुछ कह नहीं सकते। सो प्लीज़ आप फिर भी इसको भी प्यार बताओ, मेरे को भी प्यार बताओ, हमारे पूरे वीदा वाइंस को प्यार बताओ, और शेयर करो, जितना भी कमेंट करोगे हम लोग को अच्छा लगेगा। प्लीज़ थैंक यू। हम दोनों की तरफ से आप सभी टीचर्स को हैप्पी टीचर्स डे, जो भी हमारे टीचर्स देख रहे हैं, मेन मतलब हमारे टीचर्स जो देख रहे हैं उनको भी हैप्पी टीचर्स डे। बहुत आपका बहुत खुद ना आशीर्वाद है हमारे पीछे, इसलिए आप हम आज इतने बड़े प्लेटफॉर्म पे हम बहुत ऐसे करते रहेंगे। सो प्लीज़ शेयर करो, और वी द वाइंस की तरफ से आप सभी को हैप्पी टीचर्स डे। थैंक यू, बाय बाय।